केले का फसल जैसे ट्रांसप्लांट करने के 8 से 10 दिन बाद हो जाता है तो उस समय पर हम लोगों को ड्रेंचिंग करना पड़ता है। लेकिन किसान भाई सही तरीके से ड्रेंचिंग नहीं कर पाते हैं या फिर सही दवा को इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस वजह से विभिन्न प्रकार की रोग कीट का सामना करना पड़ता है और फसल की ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं होता है, जिस वजह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप लोग को केले का फसल का जैसे ट्रांसप्लांट करने के 8 से 10 दिन बाद होता है तो उस समय हम लोग को एक ड्रेंचिंग लेना पड़ता है। लेकिन सवाल ये आता है कि ड्रेंचिंग में हम लोग ले तो ले कौन सी दवा का इस्तेमाल करें, तो इसलिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग केले की फसल में ड्रेंचिंग के लिए तड़प रहे हैं कि कौन सी दवा को इस्तेमाल करना है, क्या ड्रेंचिंग का फायदा मिलता है या फिर ड्रेंचिंग को हम लोगों को कैसे करना है, जो लोग नए किसान होता है सभी आप लोगों को ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगा। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, बहुत ही मजा आने वाला है। बड़ा उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ड्रेंचिंग हम लोग केले की फसल में क्यों करते हैं। तो ड्रेंचिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि शुरू से आप लोगों का केले का फसल का ग्रोथ सही तरीके से हो, पौधा मजबूत बने। लेकिन पौधा मजबूत और ग्रोथ अच्छा लगेगा कब, जब आपके कीट या फिर रोग मिट्टी के अंदर नहीं प्रकोप होगा तब तो अच्छी से ग्रोथ लेगा। कभी कभार क्या होता है कि मिट्टी के अंदर दीमक का समस्या होता है, निमाटोड का समस्या होता है या फिर रूट रॉट का समस्या होता है या फिर क्या होता है कि वाइड रूट जो होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फैलता नहीं है, जिसके कारण पौधा ग्रोथ नहीं लेता है। तो इसके चलते हमको ड्रेंचिंग लेना पड़ता है। अब तो ये क्लियर हो गया, लेकिन भाई ड्रेंचिंग के लिए ले तो ले कौन सी दवा को इस्तेमाल करें। और इसलिए किसानों के मन में बार बार ये सवाल आती है ड्रेंचिंग के लिए हम लोग कौन सी दवा को इस्तेमाल करें ताकि 100% रिजल्ट मिले। तो आज हम आप लोगों को दो ऐसा दवा बताएंगे जिस दवा को एक साथ में कॉम्बिनेशन बना करके ड्रेंचिंग अगर करते हैं तो 100% केले की फसल में आप लोगों का ए टू जेड समस्या का समाधान कर देगा। तो वो कौन सा दवा है चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो है त्रिनास और ह्यूमिजेल। जी हाँ, दो अलग अलग प्रोडक्ट है। सबसे पहले त्रिनास की अगर बात की जाए तो त्रिनास एक स्वरूप एग्रोकेमिकल कंपनी का शोध आधारित एक बहुत ही अच्छा स्पेशल प्रोडक्ट है, जो कि केले के पौधे में जब आप लोग इसको ड्रेंचिंग करते हैं तो ये क्या करता है, रूट रॉट जो होता है जड़ गलन उसके ऊपर काम करता है, साथ ही साथ जो दीमक होता है उसके ऊपर काम करता है और उसके अलावा ये जो सूत्रकृमि होता है यानी कि निमाटोड जो होता है उसके ऊपर भी ये काम करता है। इसलिए केले की फसल में ये बहुत ही अच्छा होता है जब आप लोग ड्रेंचिंग में इसको लेते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जिसके कारण आपका केले की फसल का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका त्रिनास के बारे में। अब जो दूसरी प्रोडक्ट हमने ह्यूमिजेल बता रहे हैं ये कैसा प्रोडक्ट है ये भी आप लोगों को एक एक करके बता देते हैं। ह्यूमिजेल भी एक स्वरूप एग्रोकेमिकल कंपनी का पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जो कि इसके अंदर आप लोगों को जेल फॉर्मुलेशन में ह्यूमिक एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट और मिनरल्स मिलता है, जिसके कारण केले की फसल में अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये सफेद जड़ों को फैलता है, जिसके कारण पौधा प्रॉपर तरीके से ग्रोथ लेता है। और दूसरा, इसके अंदर सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी कि समुद्रिक शैवाल होने के कारण पौधे को अच्छी तरीके से वृद्धि करता तो है ही और साथ ही साथ पौधे को मजबूत बनाता है। और उसके अलावा इसके अंदर मिनरल्स होने के कारण आप लोगों को मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट अपटेक करने का क्षमता होता है उसको भी ये वृद्धि करता है, जिसके कारण केले की फसल में 100% जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है वो मिलता है। और इसलिए आप लोगों का ह्यूमिजेल कमाल का रिजल्ट देखने के लिए मिलता है ये केले की फसल में। उसके साथ साथ ह्यूमिजेल को इस्तेमाल करने से स्ट्रेस से भी बचाता है और उसके अलावा पौधे को मजबूत बनाता है और उसके साथ साथ ये मिट्टी को भी ये उर्वरता बनाता है, जिसके कारण ह्यूमिजेल का रिजल्ट केले की फसल में ड्रेंचिंग में कमाल का देखने के लिए मिलता है। और आप लोगों को त्रिनास और ह्यूमिजेल को दोनों को एक साथ में घोल बना करके इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये आती है कि इसको हम लोगों को डोज कितना रखना है। तो अगर आप लोग दोस्तों 200 लीटर पानी के लिए घोल बनाते हैं तो त्रिनास को लेना है आप लोगों को 1 लीटर और ह्यूमिजेल को लेना है 1 kg। दोनों को एक साथ में 200 लीटर पानी में घोल बनाना है और पर प्लांट के हिसाब से आप लोगों को 100 ml के हिसाब से ड्रेंचिंग करना है, कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब प्लांट ट्रांसप्लांट करने के 8 से 10 दिन बाद होता है उसी समय पर आप लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग त्रिनास को इस समय यूज नहीं कर पाते हैं बाई चांस तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, इसका ग्रेन्यूल्स रूप में भी मार्केट में उपलब्ध होता है। जब आप लोग केले की फसल में बेसल डोज डालते हैं तो उस समय पर भी आप लोगों को त्रिनास को यूज कर सकते हैं, उसका रिजल्ट परफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये था दोस्तों ड्रेंचिंग के लिए आप लोगों का स्पेशल दवा त्रिनास और ह्यूमिजेल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।